की शुरुआत में मैं हूँ मैरिनेट, एक नॉर्मल लड़की जिसकी है नॉर्मल लाइफ। पर मेरे बारे में कुछ ऐसा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, मेरा एक सीक्रेट। मिरेक्युलस है सबसे खास, करते वो हर जो भी होगा ना। मिरेक्युलस सबसे आना, प्यार की ताकत सबसे प्रबल। मिरेक्युलस। तुम लोगों ने जिस तरह से अपना पहला असाइनमेंट किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है जो काबिले तारीफ है। अब हमें अपने अगले असाइनमेंट की ओर बढ़ना है। क्या मैरिनेट अभी भी वॉशरूम में है? मुझे नहीं पता मिस। मैं चाहती हूँ कि आज रात आप सभी फ्रांस द फर्स्ट 1000 ईयर्स का तीसरा चैप्टर पढ़ें और इन सवालों का जवाब दें। मैरिनेट को उसका होमवर्क मिल जाना चाहिए। मैं मैरिनेट हूँ, अपना मैसेज छोड़े। बीप। मैरिनेट, तुम लोगों ने मैरिनेट को कहीं देखा है क्या? क्लोई ही लेडीबग है। मैरिनेट, तुरंत कॉल करो, हमें बात करनी है। मीनू रुको। हाँ? मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो मैं मैरिनेट हूँ, अपना मैसेज छोड़े। बीप। मुझे गुस्सा आता है जब वो गायब हो जाती है, वो कॉल भी नहीं कर रही। ये लड़की है कहाँ? सच में मेरा दोस्त एड्रियन भी ऐसा ही है, पर जब तुम्हारे पापा सख्त हो तो तुम्हें चालाक बनना ही पड़ता है। एक बार फिर से लेडीबग और कैट नोअर ने पेरिस को खतरनाक गुंडों से बचा लिया। हे, मुझे लगता है मैंने अभी अभी असली लेडीबग का पता लगा लिया है। क्लोई। क्लोई, क्या सच में? वो खुद के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती, दुनिया को क्या बचाएगी? मुझे तो लग रहा है कि तुम भी पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, खुद ही देख लो। निकल जाता है, दुनिया को बचाने में तुम्हारा पूरा दिन निकल गया। हाँ, मैंने पूरा दिन का स्कूल और एड्रियन को देखने का आधा दिन गंवा दिया। इसके पीछे जो भी है वो हमें अपने पैरों पर नचा रहा है। पर तुम्हारे तो पैर ही नहीं है। आलिया ने तुम्हारा स्कूल बैग घर ला कर दिया। मैरिनेट। हाय मॉम। तुम बहुत भुलक्कड़ होती जा रही हो, तुम्हारे बढ़ते दिमाग के लिए तुम्हें शायद ताजी हवा और एक्सरसाइज की जरूरत है। अच्छा आइडिया है, कल से शुरू करूंगी। लेडीबग ने पेरिस को फिर से तबाही से बचाया, पर मैरिनेट को होमवर्क से कौन बचाएगा? ये क्या है? कॉल करो, मैं जानती हूँ कि असली लेडीबग कौन है। हो ही नहीं सकता, ये झूठ बोल रही है। मुझे नहीं लगता, बिना सब कुछ पता किए नतीजे पर पहुँचना आलिया की आदत है। लेकिन अगर पता हुआ तो? फिक्र मत करो टिकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, सिग्नल नहीं मिल रहा। सॉरी मिस, सेल टावर का काम चल रहा है, अगले एक घंटे तक सिग्नल मिलना मुश्किल है। चलो भी मैरिनेट, बाद में कोशिश करना, पहले चलकर तुम्हारा होमवर्क करते हैं। अच्छी लग रही हो तुम। बिल्कुल नहीं, हैलोवीन में तो अभी टाइम है। तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। अगर वो सुपर हीरो है तो मैं ऑज का जादूगर हूँ। मैं बता रही हूँ, वही लेडीबग है। क्या तुम साबित कर सकती हो? कितने बजे हैं? स्कूल तो 1 घंटे पहले शुरू हो चुकी। अपने डायलॉग ठीक से बोलना। वहाँ देखो लेडीबग। ये किस तरह का मजाक था? मेरा मतलब था, तुमने कल लेडीबग को देखा? वो शानदार है ना, मैं सोचता हूँ सच में कौन होगी। रात को देर तक पार्टी कर रहे थे नीनो, शायद इसलिए तुम अब भी नींद में हो।
आलिया तुम्हारे लॉकर का फोटो खींच रही है। ये झूठ है, मैं तो बस झांक रही थी। हे, मेरा फोन वापस दो। अब कौन झूठ बोल रहा है? इसने मेरी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया है, मेरे पास सबूत है। क्या सच में मैंने सिर्फ एक फोटो खींची है? माफ करना क्लोई, लेकिन सीक्रेट के बारे में स्कूल का कोई नियम नहीं। तो फिर घुसपैठ और चोरी के लिए होगा? मैंने इसका लॉकर तोड़ा नहीं है, वो तो पहले से ही खुला था। और कुछ चोरी भी नहीं हुआ? बस मेरी आत्मा चोरी हुई है। मेरा लॉकर पवित्र मंदिर है, अगर कोई भी उसे बिना इजाजत छेड़ेगा तो वो मेरी आत्मा को दुखाएगा। ठीक है आलिया, तुम्हें एक घंटे की सजा दी जाती है। क्या मैंने कुछ गलत सुना? क्या आपने इतने बड़े गुनाह के लिए सिर्फ एक घंटे की सजा दी है इतनी बड़ी क्रिमिनल को? सबरीना, स्कूल के सामाजिक नियमों में ये साफ लिखा है कि चोरी करने वाले को एक महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। हाँ, लेकिन उसने शायद ही कुछ चुराया। मैं यकीन से नहीं कह सकती कि मेरे डार आपकी बात से सहमत होंगे। वैसे क्लोई, तुम्हारे पापा को, मेरा मतलब माननीय मेयर को, लॉकर की छोटी सी बात में नहीं घसीटना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आलिया, मैं तुम्हें एक महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ। क्या? ये सरासर नाइंसाफी है। मैं स्कूल के ब्लॉक पर प्रोटेस्ट करूंगी। स्कूल ब्लॉक को भी सस्पेंड किया जाता है? ये सुपर हीरो नहीं हो सकती, ये सुपर साइको है। स्कूल लाइफ साइंस के एक्सपेरिमेंट जैसा है, जिसमें राज झूठ और धोखे बड़े किए जाते हैं मेरी छोटी बुरी अकुमा के लिए पनपने की जगह है। जाओ मेरी छोटी अकुमा, जाकर उसे खत्म कर दो। आज तो कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। मैं मैरिनेट हूँ, अपना मैसेज छोड़े। बीप। लेडी वाईफाई, मैंने सुना है कि तुम लेडी बग को बेनकाब करना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम मेरी मदद करो तो। जो कोई भी सच को छिपाएगा मैं उसे बेनकाब करूंगी। मैं तैयार हूँ। सस्पेंड कर दिया गया है। क्या? मैरिनेट, एक तो तुम लेट आई हो, कम से कम डिस्टर्ब तो मत करो। सॉरी। आखिर हुआ क्या? शॉर्ट में बताता हूँ, उस पर क्लोई का लॉकर तोड़ने का इल्जाम है, मेरा मतलब लेडी बग का लॉकर। क्या? बहुत हुआ मैरिनेट, प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने भी यही कहा था, आलिया कहती है क्लोई लेडी बग है, उसका दिमाग खराब हो गया है। मिस्टर डैमिक प्लीज। सर, मैं हूँ लेडी वाईफाई, सच को सामने लाने वाली। हमारा पहला सच है, तुम्हारे प्रिंसिपल तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो मिस्टर डेमोक्लीस, क्या ये सच है कि आज आपने गलत तरीके से आलिया को सस्पेंड किया है? जी हाँ। तो आप बायस थे, गलत थे, पूरी तरह से गलत थे। हाँ, मैं गलत था। ओह नो, आलिया, ट्रांसफॉर्म करने का वक्त आ गया। क्या तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ फाइट करोगी? नहीं, मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाना होगा। ठीकी, स्पॉट्स ऑन। ये मेरा अगला सच है, मैं आपको उस लड़की से मिलवाऊंगी जो लेडी बग के नकाब के पीछे छिपती है। Stay connected. सभी स्टूडेंट्स अपनी सेफ्टी के लिए घर चले जाओ, जल्दी, और चैप्टर 4 और 5 पढ़ना मत भूलना।
अगर क्लोई ही लेडी बग है तो लेडी वाईफाई पक्का सीधे उसके घर जाएगी। और इसका यही मतलब है कि तुम्हें क्लोई से प्यार है। फ्लैग क्लोज आउट। क्या ये नहीं हो सकता? यहाँ पर जासूसी करने बैठे हो? ओह, लेडीबग, लेकिन कम ऑन, तुम्हें सच में तो नहीं लगा ना कि वो असली लेडीबग है? हाँ, यकीनन नहीं। और वैसे भी कौन मानेगा कि वो असली लेडीबग है? वो तो बस मेरी बड़ी फैन है, एक कॉपीकैट। राइट। कैसी हो लेडी बग? वहाँ है लेडी वाईफाई। वेल, तो मेरा शक बिल्कुल सही था। हर कोई सोचता है कि लेडी बग के मास्क के पीछे कोई फरिश्ता है। एक बार फिर से सोच लो लोगों, तो पेश है असली लेडी बग क्लोई बुशवा। तुम कौन हो? पर मुझे लगा था तुम लेडी बग हो। तुम्हारी खबर को चौपट करने के लिए सॉरी, लेकिन अगली बार दोबारा चेक कर लेना। तुम्हें पछताना पड़ेगा। आलिया, आलिया की छुट्टी हो गई है। मैं हूँ लेडी वाईफाई, न्यूज धमाका लेडी बग। चलो पता करते हैं तुम्हारी असलियत क्या है। मेरे पीछे आओ। तो प्लान क्या है? उससे उसकी शक्ति फोन से मिलती है। हम उसे बेसमेंट तक ले जाएंगे, वहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता। ना रहेगा, बस ना बजेगी बांसुरी। क्या चाल है लेडी? हमें और नीचे जाना होगा। तुम मुझसे नहीं बच सकती लेडी बग। तैयार रहना। तो जब तुम लेडी बग नहीं होती तब क्या करती हो? अरे इस वक्त हमें इस काम पर ध्यान देना चाहिए। वो होटल में वापस चली गई है। उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। हे, मुझे लगता है हम नॉर्मल जिंदगी में एक दूसरे को जानते हैं। मुझे नहीं लगता। ये भी बंद है। उसने इसे खुला रखा है। तीन गिनते ही धक्का मारेंगे। एक, दो, तीन। एक हमले के लिए इतना कुछ? मेरे साथ आओ। आखिर वो कहाँ छिपी है और यहाँ इतने सारे फोन क्यों रखे हैं? अब क्या करें? मुझे तो लगा कि वो तुम्हारे पीछे पड़ी है। तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। बिल्कुल पकड़ सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ करता हूँ लेडी बग। अरे हाँ, सर्विस लिफ्ट से जाता हूँ। है ये लेडी बग? क्या ये सुपर हीरो है या सुपर जीरो? हम ऐसी लड़की पर कैसा भरोसा कर सकते हैं जिसे हम जानते ही नहीं? हमें जानने का हक है। ये निकल क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये जादुई है। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया लेडी वाईफाई। ओह, कितना रोमांटिक है। काला बिल्ला अपने प्यार को बचाने आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी तुम? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओ,
अरे बाप रे! मेरी रिंग! यहाँ कितनी ठंड है। वो? मुझे थोड़ी मदद चाहिए। वेल, मुझे तुम दोनों के साथ क्या करना चाहिए? उसे लकी चार्म का इस्तेमाल करने के लिए उकसाओ। इससे उसकी असली पहचान सामने आ जाएगी और मिरेकुलस मेरा हो जाएगा। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो तुम्हारा प्यार दम तोड़ देगा। अपने काले बिल्ले के साथ मजे करो, मुझे दूसरी न्यूज कवर करनी है। लोगों, सुनो, मैं एक शानदार खबर लाई हूँ जिसका आप इंतजार कर रहे थे। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी कैट नोआर। मेरी फिक्र मत करो। अपनी नजरें टिकाए रखें क्योंकि सामने आने वाला है लेडी बग का असली रूप, लकी चार्म। आई होप ये एक लकी बॉक्स हो। माइक्रोवेव। मिल गई। कम ऑन, माइक्रोवेव सिग्नल जाम कर दो। तुम ठीक हो ना कैट नोआर? तुमने अपना लकी चार्म इस्तेमाल किया, ज्यादा वक्त नहीं है। एग्जैक्टली। चलो किचन का दरवाजा तोड़ देते हैं। नहीं तोड़ सकते, माइक्रोवेव खराब हो गया। जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करो। समझ गया। अब ये क्या करने वाली है? मेरे मिरेकुलस को बच कर जाने मत देना। ठीक है, मैं वाईफाई का एंटीना जाम कर देता हूँ। गुड लक। लोग पहुंच गया। कैराक्लिज्म। अच्छी चाल थी काले बिल्ले, लेकिन मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं हारने वाली। जल्दी करो कैट नोआर। मेरा सिग्नल चला गया। वो फोन मुझे दे दो। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिरेकुलस लेडीबग। क्या कर दिखाया लेडीबग? वाव। और कैट नोआर, क्या मैं एक छोटा सा इंटरव्यू ले सकती हूँ? बस मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। हमें जाना होगा, तुम्हारे पास समय कम है। कहाँ गए वो लोग? रुको, मैं किसी से नहीं कहूँगा तुम कौन हो, पक्का वादा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कौन हैं, हमें भी नहीं। इस बार तो बाल बाल बचे। सच कहा टिकी। हम्म।
अपने प्यार का पता लगाने का सुनहरा मौका था। तुम क्या सोच रहे थे? यही तो बात है प्लैग, मैं सोच नहीं रहा था, बस दिल की सुन रहा था। एक दिन तुम्हारा नकाब उतर जाएगा लेडीबग, अपना जादू मेरे हवाले करने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्या ये सच है? तुम उसे बताने वाली हो क्या? तुम्हारा दिल यही कहता है? कई बार दिल कुछ और करना चाहता है, पर एक सुपर हीरो हमेशा अपने दिमाग के ही सुनता है। मेरा नया स्मार्टफोन तो बहुत स्मार्ट है, उसके आगे पुराना तो भंगार है। जरा इसकी फोटो से देखो। तुमने एड्रियन की इतनी सारी फोटोज क्यों ली? वो मास्क और कॉस्ट्यूम के साथ तुम्हें नहीं लगता एड्रियन कैट नोआर की तरह लगता है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो कैट नोआर से लाख गुना ज्यादा अच्छा है। हे, मुझे लगता है कि कैट नोआर ज्यादा क्यूट है। देखो एड्रियन के फोटोज लेना बंद करो। हाँ, मेरे साथ अगर शेयर करो तो बात और है। वापस करो। नहीं दे भी दो, मैरिनेट आकर ले लो। तुम्हें सिर्फ